दोस्तों, अगर आप एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं तो पुलअप्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पुलअप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो एक साथ में हमारे बहुत सारे मसल्स को ट्रेन करती है और हमें एक वाइड बॉडी और वी टेपर बनाने में हेल्प करती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पुलअप्स नहीं लगा पाते, जो एक भी पुलअप्स नहीं लगा पाते। तो भाइयों, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पुलअप्स के अलग अलग और सिंपल ऐसे तरीके बताऊंगा जो कि आप घर पर आजमा सकते हैं और अपने पुलअप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर ये सारे स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए ना, तो इस वीडियो के बाद आप बहुत आसानी से पुलअप कर पाओ। तो चलो आते हैं अपने पहले मूवमेंट के तरफ। तो पुलअप्स करने के लिए या तो किसी रॉड पे, किसी बार पे, या नहीं तो किसी दीवार को पकड़ के आप पुलअप कर सकते हो अपने घर पे। तो पुलअप की पोजीशन में आके आपको अपने बैक को स्क्वीज करना है, ऊपर नहीं जाना है। पहले से बैक को स्क्वीज करना है, लूज करना है, स्ट्रेच करना है, स्क्वीज करना है, और ये आपको 20 सेकेंड तक कंटिन्यू करते रहना है। इसके लिए आपको जिम जाने का जरूरत नहीं है, ये आप घर पे आराम से कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज 20 सेकंड तक करना है, उसके बाद आपको 30 सेकंड का रेस्ट लेना है। मतलब 30 सेकंड का रेस्ट ले लो, फिर से स्टार्ट करो। ऐसे करके आपको 3 सेट लगाना है, बीच में 10, 20, 30 सेकंड का रेस्ट, जिसमें आप रिकवर हो जाओ ताकि फिर से आप 20 सेकंड कंटिन्यू कर पाओ। तो आप पूछोगे कि इस मूवमेंट का फायदा क्या होगा। तो इस मूवमेंट से फायदा ये होगा कि इससे आपके ट्रैप्स का लोअर पार्ट ट्रेन होगा, जिससे कि आपको पुलअप्स करने में आसानी मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा पुलअप करने में। तो चलिए चलते हैं दूसरे मूवमेंट की तरफ। तो पुलअप्स अच्छे से करने के लिए आपको ओवरऑल मसल कोऑर्डिनेशन चाहिए, अपने बैक से लेके अपने हैंड, रिस्ट, ट्राइसेप, बाइसेप, शोल्डर, हर एक चीज का आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो ये कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो अगला पॉइंट जो है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाला है पुलअप करने में, आप जिस दीवार पर लटक के पुलअप लगाने वाले हैं उसके आगे आप एक चेयर या टेबल लगा लें, जिसपे चढ़ के आप उस हाइट पे पहुंच सकते हैं। उस हाइट पे पहुंच के दोनों हाथ से पकड़ के दीवार को, फिर आप होल्ड किए रहे पुलअप के पोजीशन में, मतलब इस पोजीशन में आके आपको होल्ड किए रहना है वहां पे। उससे क्या होगा, आपके बॉडी को आदत पड़ेगी पुलअप करने, आपका बॉडी यूज टू होगा उस टेंशन के, उस प्रेशर के, जो कि पुलअप लगाते टाइम आपके बैक पे पड़ने वाला है। तो ये परफॉर्म करें, 5 सेकंड होल्ड करें, 2 सेकंड होल्ड करें, जितना आपसे होल्ड हो रहा है उतना कंटिन्यू आप होल्ड करें। इसका भी 3 सेट लगाएं, बीच में 10-20 सेकंड, 30 सेकंड का। अब जो भाई लोग पुलअप कर पाते हैं, चाहे 5 कर पा रहे हैं, 10 कर पा रहे हैं, और अपने पुलअप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो ये रहे कुछ अलग अलग वेरिएशंस जिनके हेल्प से आप अपने पुलअप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाएंगे। तो पहला है वाइड पुलअप, अपने हाथ को फैला के, यूजुअली आप जहाँ पे हाथ रख के पुलअप लगाते हैं उससे थोड़ा वाइड हाथ रख के फिर पुलअप लगाएं। इससे क्या होगा, नीचे आते टाइम आपका लैट्स ज्यादा ओपन होगा, ज्यादा स्ट्रेच होगा। स्लो लगाएं, कंट्रोल लगाएं, लैट्स पे फोकस करके, बैक पे फोकस करके लगाएं पुलअप्स को। अगला है क्लोज ग्रिप पुलअप्स, दोनों हाथ को पास रख के फिर पुलअप लगाएं। और एक है एक्सप्लोसिव पुलअप्स, इसमें क्या करना है, आपको फास्ट ऊपर जाना है और फास्ट नीचे आना है, फुल पावर लगा के एक्सप्लोड करके फास्ट ऊपर जाना है और फास्ट नीचे आना है। अगला है स्लो पुलअप्स, स्लो ऊपर जाना है, स्लो नीचे आना है, कंट्रोल करके। इससे क्या होगा, यूजुअली आप जितना टाइम लगाते हैं लटक के उससे ज्यादा टाइम लगा पाएंगे, उससे ज्यादा देर तक आप अपने बैक को टेंशन में रख पाएंगे, कंटिन्यू उस पर प्रेशर बना पाएंगे बैक पे, जिससे कि बैक ग्रो होगा और आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अगला है फिंगर टिप्स पुलअप, मतलब आपको फिंगर से पकड़ना है बार को या दीवार को, फिर पुलअप लगाना है। इससे क्या होगा, आप अपने बैक पे और ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे, और ज्यादा प्रेशर डाल पाएंगे, और ज्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे बैक को। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि बिगिनर को कैसे अपने पुलअप को इम्प्रूव करना है, क्या क्या स्टेप्स करने हैं कि उनका पुलअप इम्प्रूव हो, अपना फर्स्ट पुलअप वो लगा पाए, और दूसरा कि जिन भाई लोग को पुलअप लगाने में प्रॉब्लम नहीं है, 5-10 लगा पा रहे हैं, वो अपने पुलअप को नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जा पाए। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि घर पे रह के भी कैसे बैक बनाएं, कैसे बैक मसल को इम्प्रूव करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, और नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि अभी आप कितना पुलअप लगा पा रहे हैं, चाहे 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, जितना भी लगा पा रहे हैं नीचे कमेंट करके बताएं, और इन स्टेप्स को फॉलो करें। एक वीक में ही आप देखेंगे कि आप में चेंज आया, पुलअप और अच्छा से लगा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। मैं तो चला पुलअप लगाने, आप भी लगा लो 2-4 सेट।